छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान और घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर लगातार नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के तहत दो इनामी नक्सली सहित कुल 16 नक्सलियों ने किरंदुल थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत 16 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। घर वापसी अभियान की शुरुआत 6 माह पहले ही की गई थी। इन 6 महीनों में 74 इनामी नक्सली सहित कुल 288 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों ने समर्पण करने के साथ ही भारत माता जय के नारे भी लगाए हैं। यह सभी नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सली थे। बस्तर के नक्सली अब बाहर के नक्सलियों की खोखली विचारधारा को समझ चुके हैं और लगातार समर्पण कर रहे हैं, जिसके कारण नक्सलियों का लगभग जनाधार इलाकों से गिर रहा है। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए भी दी गई। आज 30 जनवरी को बलिदान दिवस, सर्वोदय दिवस, महात्मा गांधी जी की आज के दिन ही उनकी हत्या हुई थी। उसी आज गांधी जी के आदर्शों को देखते हुए आज 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 2 इनामी माओवादी हैं। ये सभी लोग रोड खोदना, पुलिस संतरी ड्यूटी काम करना, नक्सलियों के लिए खाना बनाना, पुलिस के लिए प्रेशर बम लगाना, आईडी लगाना, फायरिंग करना, उसमें इन्वॉल्व थे। आज बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने हिंसा के ऊपर अहिंसा की आज जीत हुई है। इन लोगों ने लोन मराठू गार्डन यहाँ बनाया गया है, सभी लोगों ने एक एक फल देने वाला वृक्ष लगाया है और इन लोगों ने संकल्प लिया है कि यही लोग इसमें पानी डालेंगे और कहीं ना कहीं जो जल जंगल जमीन की जीत का ये सिम्बलाइज करता है कि ये लोग जो हैं हिंसा छोड़ के अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और मुख्य और जो नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उसके ऊपर जो महात्मा गांधी के आदर्शों की आज जीत हुई है। समर्पण करने आए थे? समर्पण करने आए। अभी क्या किया आप लोग यहाँ पर? जो ये आम का पौधा लगाया, पौधा लगाया। अब इसको बड़ा करोगे? बड़ा कर सकता हूँ। काय के लिए पौधा लगाया आज? मतलब बड़ा निकले, आज गांधी जी का पुत्र लिए इसलिए हम लोग पौधा लगा, बड़ा निकले आया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।